आज मैं आपको गाजर का हलवा बनाने की विधि बता रही हूँ। ये बहुत ही आसान तरीके से और झटपट बनने वाला है। इसके लिए मैं 1 किलो गाजर ली हूँ, उसे दोनों तरफ से कट करके धो लिए हैं। धोने के बाद इसको हल्का हल्का छील, इसे छिलनी की सहायता से हल्का हल्का छीलेंगे, ज़्यादा नहीं। आप चाहे तो छीले या ना चाहे तो छील भी नहीं सकती हैं। अगर आपका गाजर अच्छा है तो आप ना भी छीलेंगी तो चलेगा। उसके बाद इसको हम एक कद्दूकस करने वाली की सहायता से कद्दूकस करके इसे तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम सारे गाजर को कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के बाद इसे हम भूनेंगे। जब तक हमारा गाजर कद्दूकस होकर तैयार कर लेते हैं, गाजर को कद्दूकस कर लिए हैं। ये देखिए हमारा गाजर कद्दूकस तैयार है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई बैठाते हैं और गैस को ऑन कर देंगे। गैस को कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है। अब इसमें हम 2 चम्मच शुद्ध घी डाल देते हैं। ये घी भी हम घर में ही तैयार किए हैं। 2 चम्मच घी डाल दिए हैं। घी गर्म होने पर आप चाहे तो 2 चम्मच और भी घी डाल सकते हैं, वो आपके पसंद के अनुसार है। घी गर्म होने पर इस गाजर को, कद्दूकस किए हुए गाजर को कढ़ाई में डाल देंगे इस तरह से। और इसे तेज आंच पर लगातार भूनेंगे जब तक कि यह पूरा पककर तैयार ना हो जाए। इस तरह से इसे लगातार 5 से 7 मिनट तक लगातार भूनेंगे। 10 मिनट गाजर भूनने के बाद हमारा गाजर इस तरह से हो गया है। अब इसमें हम 5-6 चम्मच चीनी डाल देंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार, मीठा के अनुसार चीनी डाल सकती हैं। अब इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। गाजर हमारा भूनकर लगभग तैयार हो चुका है। इसमें हम चीनी पहले ही डाल दिए थे ताकि गाजर अच्छे से गल जाए और भून जाए। मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार कम बेसी डाल सकती हैं। ये गाजर हमारा भून गया है। इसमें अब मैं घर में ही 1 लीटर दूध से खोआ तैयार की हूँ, इसे डाल देती हूँ और इसे साथ में डालकर भूनेंगे जब तक ये अच्छे से पूरा एक साथ ना हो जाए। इसमें कुटी हुई इलायची, छोटी इलायची डाल देंगे। इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है। ये कुटी हुई इलायची मैं डाल दी हूँ इसमें। और तैयार होने के बाद आप अपने मनपसंद से इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। इसे मैं भून रही हूँ लगातार चलाते हुए। देखिए हमारा गाजर का हलवा लगभग बनकर तैयार हो गया है। कितना स्वादिष्ट और कितना अच्छा बना है। खोआ और गाजर दोनों एक साथ मैश हो चुका है, दोनों भून लिए हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसे हम गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करके हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं इस तरह से, और इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने मन अनुसार काजू, किशमिश, बादाम सबके कतरन करके आप ऊपर से इस तरह से डालकर सर्व कर सकती हैं। गर्मा गर्म गाजर का हलवा तैयार है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।